हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। आखिरकार पाइथन में प्रिंट करवाते वक्त हम एंड क्यों लिखते हैं, एंड नाम क्यों यूज करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, सीधा सीधा प्रिंट लिखता हूं और इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं सूरज, एस यू आर ए जे मेरा नाम है, तो ये मैंने लिख दिया तो ये सूरज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको चलाता हूं, यहां से रन कराता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे ये रन करवाया मैंने, इसको सेव कर लेता हूं मैं माई नेम के नाम से, माई नेम डॉट पी वाई डॉट पी वाई लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये हमने सेव कर लिया। तो यहां पे सूरज नाम प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन यहां पे एंड नाम क्यों यूज किया जाता है, आखिरकार एंड को क्यों यूज करते हैं, तो चलिए यहां पर एंड यूज करके देखते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने ई एन डी एंड, ठीक है, यूज कर लिया, कोई फायदा थोड़ी ना है, लेकिन पता चलेगा अभी फायदा क्या है। यहां पर एक बार इंडेंट कॉमा ओपन किया, एक बार क्लोज किया, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की चीजें पाइथन में यूज करी जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर नीचे आता हूं, एंटर करता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा, वापिस से लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट लिख दिया। अब यहां पर वापिस से मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा ब्रैकेट को और यहां पर मैं लिख देता हूं एस आई आर सर, ठीक है। अब ये जो सर लिखेंगे ये डबल इंटेड कॉमा में रहेगा, जो भी आप लिखते हैं वो डबल इंटेड कॉमा में रहेगा, मैंने यहां यही लिख दिया है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब इसको रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। तो यहां से इसको रन करवाया, सेव तो पहले से हुआ पड़ा है, तो यहां सूरज सर एक ही लाइन में आ रहा है, तो चलिए अब इसको हटा देते हैं, ये जो एंड लिखा है इसे हटा देते हैं, अब देखते क्या होता है, ये दोनों ही एक लाइन में आता है या नहीं आता है, सवाल यही है। तो यहां पर चलते हैं और यहां पर इसको रन करवा देते हैं, तो रन करवाया तो आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये एंड का क्या महत्व है, क्यों लिखा जाता है ये एंड। एंड कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था, अभी आपने देखा, और फिर मैं दोबारा से एंड लिख करके इसको रन करवाता हूं, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो अभी तो ये आ गया एरर, कॉमा छूट गया था, तो अब ये रन हो जाएगा। तो ये देखिए ये रन हुआ, तो अब देखिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है विथ गैप, गैप के साथ प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए एंड लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो एंड लिखा मैंने और यहां पे लगा दिया डबल डॉटेड कोट्स, और ये गैप जो दिया ये गैप वही गैप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।